हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी है, हर लोग भाग रहे हैं इधर उधर, उनके पास अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए अगर आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी होनी चाहिए, चाहे थोड़े टाइम में बनाएं। मैं आपको एक लो फैट रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, वेजिटेबल स्टिक्स, जो कि बहुत ही थोड़े टाइम में बन जाती है। और आप, मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी उसके लिए कोई आलस नहीं करेंगी बनाने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए भुने हुए चने का पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, गाजर कद्दूकस करी हुई, ऑयल, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, हरी मिर्ची कटी हुई, शिमला मिर्च कटी हुई, धनिया और कद्दूकस किया हुआ बंद गोभी। और सबसे पहले हम ये जो भुने हुए चने हैं, ये मैं बताऊंगी कैसे बनाने हैं। ये जो चने होते हैं, जो कि हम ऐसे ही खाते हैं, भुने हुए चने इसको बोलते हैं, तो इसको आप मिक्सी में डाल के इसका पाउडर कर लीजिए। ये फाइन पाउडर की तरह हो जाएगा और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ, जैसे कि आप यही रेसिपी अगर हम भुने हुए चने से नहीं बनाते तो ये फैट बहुत ही हैवी रेसिपी होती है, इसमें हम आलू डालते हैं। तो आलू नहीं डाल के हम भुने हुए चने डालते हैं, क्योंकि हम ये लो फैट रेसिपी बना रहे हैं। और ये भुने हुए चने सबसे पहले हम इसमें डालेंगे और फिर ये गाजर जो कद्दूकस करी हुई है, और इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। आजकल गाजर में बिल्कुल पानी नहीं है क्योंकि ड्राई कैरेट्स हैं, तो इसको हमने ऐसे कद्दूकस करके डाल दिया। अदरवाइज़ जैसे सीज़न में होती हैं तो हम इसको स्क्वीज़ करके डालेंगे। और ये बंद गोभी है, इसको भी अगर आप कद्दूकस करके थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेती हैं ताकि इसमें से पानी निकल जाए, और ये भी इसमें डालना है। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा, अबाउट 1/4 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टीस्पून जिंजर कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई अबाउट 1/2 टीस्पून, धनिया लीव्स अबाउट 2 टीस्पून चॉप्ड फाइनली, एंड दिस इज़ कैप्सिकम, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई अबाउट 2 टीस्पून, एंड रेड चिली पाउडर टू टेस्ट, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट अबाउट मेरे हिसाब से 1/2 टीस्पून, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। एंड अब इसको हम बाइंड कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, अबाउट 2 बड़े चम्मच, उतना ही पानी हमें डालना है जिससे कि इसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छे से, क्योंकि ये ड्राई चने हैं, भुने हुए, बिल्कुल सूखा पाउडर है, इसको बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा। और यही रेसिपी अगर आप फैट फ्री नहीं बनाना चाहते तो आप आलू के साथ भी बना सकते हैं। उबला हुआ आलू पर चने की जगह, चना पाउडर की जगह आप उबला हुआ आलू ले लेंगे, उसमें बाइंडिंग के लिए आपको पानी नहीं डालना, वो एज़ इट इज़ आप बना सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से हाथ में डो की तरह आना चाहिए ये मिक्सचर, लाइक दिस। अब इसको गीले हाथ से हम शेप देंगे स्टिक्स के ऊपर। अब हाथ गीला करके हम इसको स्टिक्स पे लगाएंगे। अच्छे से इसको हाथ से प्रेस करना है, अदरवाइज़ ये अच्छे से चिपकेंगी नहीं स्टिक्स के ऊपर। ये इस तरह की स्टिक्स आपके इस रेसिपी में अबाउट 4-5 स्टिक्स तैयार हो जाएंगे। दिस इज़ इनफ टू 2 or 3 persons। अब हम इसको नॉनस्टिक पैन को गरम करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। ये हमारी फैट फ्री रेसिपीज़ हैं तो नेचुरली हम बहुत ज़्यादा तेल तो नहीं डालेंगे, और थोड़े से तेल में ही ये बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम इसके ऊपर स्टिक्स रखेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये रेसिपी अगर आप नॉनस्टिक पैन पे नहीं बनाते हैं तो ये चिपक जाएगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम तेल यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें नॉनस्टिक पैन ही चाहिए। और जैसे ही ये तेल गर्म हो जाता है, हम पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो हम ये स्टिक्स डाल देते हैं इसमें, और इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद टॉस करते जाएंगे। और इसको गोल्डन कलर होने तक कुक करेंगे और फिर इसको गरम गरम सर्व करेंगे। ये स्टिक्स जब तक तैयार होती है, मैं आपको एक कॉरली एक रेसिपी बता रही हूँ, जो कि डिप की तरह आप इसके साथ सर्व कर सकती हैं। अगर वो डिप आप साथ में बना के देंगी तो मेरा ख्याल है ये स्टिक्स का दुगना मज़ा हो जाएगा। उसके लिए 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एक कटोरी में डालेंगे और 1/2 टीस्पून चिली पेस्ट डालेंगे और 1/4 कप केचप
एंड हाफ टी स्पून वाइट विनेगर एंड अ लिटल सॉल्ट, थोड़ा सा नमक एक कटोरी में मिक्स करना है सिर्फ आपको, और इसको हम डिप वाली कटोरी में डाल के एक प्लेटर में रख देते हैं। और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कैबेज एंड जो भी आपका मन करता है गार्निशिंग के लिए आप डाल सकते हैं। और उसके साथ हम ये डिप्स के साथ अगर हम ये सीख सर्व करेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। अब ये हमारी ये सीख तैयार है, मैंने इसके साथ डिप ऑलरेडी बना के रखी हुई है तो हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है वेजिटेबल स्टिक्स, और इसको हम गार्निशिंग करते हैं धनिया के साथ और थोड़ी सी आप कैरेट डाल सकते हो कद्दूकस करी हुई, और थोड़ी सी चाहे तो आप कैबेज के पत्ते भी नीचे लगा सकते हैं या सैलेड के पत्ते लगा के, और भी अच्छा ग्रीन लुक आ जाएगा इसमें। वेज स्टिक्स चना कबाब्स बनाने के लिए हमें चाहिए चना पाउडर 1 कप, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, 1 गाजर, 1/4 बंद गोभी कद्दूकस किया हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार और तेल 1 बड़ा चम्मच। चना पाउडर में सारे इंग्रेडिएंट्स, गाजर, गोभी, जिंजर, गार्लिक पेस्ट, शिमला मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया, आमचूर, नमक, ये सब डालकर अच्छी तरह मिला लें। 2 चम्मच पानी डालकर बाइंड कर लें। हाथों को गीला करके स्टिक्स पर लगा लें। नॉनस्टिक पैन में थोड़ा तेल डालकर अच्छी तरह से सेक लें। बारीक कटा हुआ धनिया से गार्निश करें और डिप के साथ सर्व करें।